सपोज मुझे 70% डाला रहे तो मुझे मेरे लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, क्या मैं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करूं या कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करूं। अब जो स्टूडेंट जो है जिन्होंने 90+ percentile स्कोर किया है, अब वो कौन कौन से, अब देखो ये हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिनके 90% आए, अब देखो वो I2IT के लिए अप्लाई कर सकता है। I2IT में अगर आप देखो 60-70% आए हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टेक ब्रांच में ही लेना है और वो भी अच्छे कॉलेजेस में लेना है, वो भी टीयर 1 कॉलेजेस में लेना है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से सीईटी सेल ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भैया हमें कितने परसेंटाइल पे कौन सी ब्रांच को चूज करना चाहिए। सपोज मुझे 70% आ रहे तो मुझे मेरे लिए बेस्ट ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, क्या मैं ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करूं या कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करूं। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे कंफ्यूजन आपके मन में आ रहे होंगे। और अब रही बात जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे आंसर की में और उनके परसेंटाइल जो है कम आ गए, अब सीईटी सेल ने उससे रिलेटेड भी जो है कल ही एक नोटिस भी डिक्लेयर कर दिए। आप पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, यहाँ पे शो कर दूंगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इन लोग ने जो है आपके परसेंटाइल जो है काफी एक्सपर्ट लोगों के निगरानियों में जो है इन्होंने परसेंटाइल डिक्लेयर किए हैं। तो अभी ये परसेंटाइल जो है, और आप भी जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो, तो ना ही आपके परसेंटाइल रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं चेंज होने वाला है। जो आपको परसेंटाइल मिले हैं वही रहने वाले हैं और वही फाइनल रहने वाला है। अब रही बात आपको कौन सी ब्रांच चूज करना है, अगर सपोज आपके कम परसेंटाइल है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है, क्या आप कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें ना आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी स्टूडेंट्स को, लास्ट 28 डेज में हमारे चैनल पे 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गए, यानी कि महाराष्ट्र में जितने सारे स्टूडेंट जो है सीईटी एग्जाम दिए या फिर सीईटी के थ्रू अभी यहाँ पे एडमिशन लेने वाले, वो सारे स्टूडेंट्स जो है चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ये देख के काफी अच्छा लगा, अब सभी स्टूडेंट्स का एज वेल एज पेरेंट्स का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग अपडेट्स वगैरह सेंड करते रहते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल काउंसलिंग के कॉल्स नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो ढेर सारे कॉल्स आ रहे हैं। जितने अगर एक पेरेंट से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 5-6 कॉल्स वेटिंग में ऐसे ही चले जा रहे, तो वहां पे वो ऐसे ही लूप बनते जा रहा है। इस वजह से मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स के कॉल्स ही नहीं रिसीव हो पा रहे। तो इसका अल्टरनेटिव हम लोग ने सोचा है कि आप जो है जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, और ऑल्सो सिर्फ एक ही दिन के लिए बैच लाइव रहेगा अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सीट्स हम लोग की फुल हो चुकी है। काउंसलिंग की हमारी सीट्स ऑलरेडी सारी सीट्स जो है फुल हो चुकी है, बस एक दिन और मैं इस बैच को लाइव रखने वाला हूँ, उसके बाद ये बैच भी जो है हम लोग का काउंसलिंग का बैच भी जो है क्लोज होने वाला है। अभी जो स्टूडेंट्स का कॉल नहीं रिसीव हो रहा है, प्लीज आप इन दो नंबर पे आप ना व्हाट्सअप मैसेज सेंड कर दो, व्हाट्सअप के थ्रू जो है आपको जल्दी रिप्लाई मिलने के चांसेस है अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है। एंड डोंट वरी, 101% आप सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। 24 आवर्स, आपको विदिन 24 आवर्स जो है हम लोग के टीम के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। 24 आवर्स थोड़ा सा वेट करना है आपको, जब भी आप एनरोल करोगे तब से आप 24 आवर्स वेट कर लो, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। अगर कॉल्स नहीं रिसीव हुए तो प्लीज इन नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर लेना, बैच एक दिन में क्लोज हो जाएगा, ऑलरेडी सीट फुल हो चुकी है। कल एक दिन हम लोग इसको लाइव रखेंगे या फिर कल ही जो है ये बैच क्लोज भी हो जाएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे वो ज्वाइन कर सकता है। काउंसलिंग के लिए आपको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं आपको मोड ऑफ एडमिशन बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ कैप राउंड ही पता होता है, कैप राउंड के अलावा भी आप जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड, मैनेजमेंट, डीम यूनिवर्सिटी, ये सारे ऑप्शंस भी है जिसके थ्रू आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, स्पेशली जिनके कम परसेंटाइल आए। जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है उनके लिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। डीम यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है, मैनेजमेंट कोटा में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है जिनके बहुत ही कम परसेंटाइल आए। और जिनको अच्छे परसेंटाइल आए, सपोज 80-85% आए, एंड अगर आपको और भी अच्छे top 10, top 15 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपके लिए इंस्टीट्यूशनल राउंड और स्पॉट राउंड है, और कैप राउंड तो है ही है। कैप राउंड में आपको मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। ये 5 मोड ऑफ एडमिशन होते हैं। अभी आपको मैं बता दो कौन से आपको जो है ब्रांचेस को चूज करना है। सबसे पहला डाउट आपको ये दो आपको डाउट आता होगा कि टेक ब्रांच जो है हमें लोअर कॉलेज में लेना चाहिए या कोर ब्रांच जो है हमें टॉप कॉलेज में लेना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं क्लियरली आपका ये डाउट ना क्लियर कर देता हूँ। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भैया हम लोग लोअर कॉलेज के CSIT ब्रांच में ले ले एडमिशन, या फिर हम लोग अच्छे कॉलेजेस में जाके जो है कोर ब्रांचेस के ले ले। तो यहाँ पे मैं क्लियरली आप सभी स्टूडेंट्स को एक ही लाइन में जवाब दे देता हूँ। अगर आपको टॉप 20, टॉप 25 कॉलेजेस में ENTC, ENCS तक अगर मिल रहा है ना,
तो वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। सपोज अगर आपके 70% है, 70 below percentile है, तो चांसेस है कि आपको ENTC ENCS मिल जाए। तो आप जो है अच्छे कॉलेजेस में ENTC ENCS भी जो है वो टेक ब्रांच में ही आता है, अच्छे कॉलेज में आपको टेक ब्रांच मिल जाएगी, बट थोड़ा जो है आपको ENTC ENCS लेना पड़ेगा। फिर अब रही बात को ब्रांचेस इन बेस्ट कॉलेज, अब जो स्टूडेंट को पहले से ही इंटरेस्ट है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग ही करना था, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना था, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करना था, तो डेफिनेटली आप कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 60-70% में भी आपको टीयर वन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। काफी कम परसेंटाइल होता है, काफी कम कट ऑफ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस का कम कट ऑफ जाता है। 93% पे COEP में सिविल इंजीनियरिंग में वहां पे एडमिशन मिल गया था स्पॉट राउंड में। तो ऐसे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको कोर ब्रांचेस में अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिले। ठीक है, अब रही बात आपको कितने परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस और कौन टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए। तो टीयर वन में जो जितने कॉलेजेस आते हैं सारे कॉलेजेस का अगर आप CSIT और उनके स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस का अगर आप कट ऑफ देखोगे एज पर जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का आपको मैं मिनिमम कट ऑफ बता देता हूँ। मिनिमम कट ऑफ जो है 90% जाता है। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ टीयर वन कॉलेजेस के लिए, टीयर टू कॉलेजेस के लिए 80% जाता है, एंड टीयर थ्री कॉलेजेस के लिए 70 below 70 या फिर 70 below percentile जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर आपको टीयर वन कॉलेजेस में, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा टॉप 20 कॉलेजेस पुणे एंड मुंबई का, जो टॉप 20 कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस अच्छे है, प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है उसमें। ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो हर एक कॉलेज का, नीचे के जो टॉप 15 के बाद जो कॉलेजेस है 5 to 6 lakh का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके ऊपर वाले कॉलेजेस में जाओगे 6 to 7, उसके ऊपर वाले कॉलेजेस में जाओगे तो 7 to 8, ऐसा एवरेज पैकेज आपका इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टॉप 20 कॉलेजेस में है उसी में आप ट्राई करो कि आपको उसमें ENTC ENCS तक आपको मिल जाए। तो 90% तक आ रहे ना, तो आपको टीयर वन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। टीयर टू में आपको 80% तक मिल जाएगा। अगर सपोज आपको टीयर वन में ही जाना है और 80% है, तो 80% पे आपको टीयर वन कॉलेजेस में ENTC ENCS मिलने के चांसेस है, तो आप टीयर वन कॉलेजेस में ENTC ENCS के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 70% वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी टीयर वन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है अगर आप कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई करेंगे तो। अब जो स्टूडेंट जो है जिन्होंने 90+ percentile स्कोर किया है, अब वो कौन कौन से, अब देखो ये हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपको मैं बताऊंगा, आपको एक जनरल आइडिया बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है और कौन कौन से ब्रांचेस के लिए आपको कितने परसेंटाइल पे कौन कौन से ब्रांचेस के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी देखो डिसीजन आपके हाथ में, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना, ये हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अब 90% वाला स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसको टॉप 3 टॉप 5 कॉलेजेस में ही एडमिशन चाहिए, तो 90% वाला स्टूडेंट क्या करेगा कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऐसे कोर ब्रांचेस के लिए भी जा सकता है अगर आपको और अच्छे कॉलेजेस में टॉप 3 टॉप 5 कॉलेजेस में चाहिए। तो अगर आप टॉप 20 कॉलेजेस में जाते हो तो आपको 90% पे ENTC ENCS या फिर कोई स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस वो कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो जो स्पेशलाइजेशन आप ब्रांचेस यहाँ पे देख रहे हो, सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर उसके बाद AIML, AIDS, ये भी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे कॉलेजेस में। तो इन ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जिनके 90% अबो है। अभी यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ। सपोज अगर आपको ये ब्रांचेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, प्लीज आप देखो जो पर्सनल काउंसलिंग में भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हम लोग ने सारे सेशंस लिए हुए। आप यहाँ पे देख सकते हो कैप राउंड एडमिशन प्रोसेस, जो पूरा कैप राउंड कैसे कंडक्ट होने वाला है, 1 घंटे का सेशन है, पूरा प्रोसेस हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है। लाइव सेशन ऑन ब्रांच डिटेल्स, इसमें मैंने पूरे डिटेल्स में हर एक ब्रांचेस के बारे में बताया है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, अगर आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, गेट एग्जाम के लिए प्रिपेरेशन करोगे तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, सब कुछ हम लोग ने डिटेल में कवर किया हुआ है। ये आप देख सकते हो इधर, यहाँ पे देखो थर्ड सेशन भी हम लोग ने लिया है, आफ्टर रिजल्ट क्या प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे आपको कॉलेज लिस्ट भी मिलेगी देखने को, टॉप 20 कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस, सारे हम लोग ने लिस्ट वगैरह दिया है। जो काउंसलिंग में स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल है वो सारे ये जो है PDFs वगैरह रेफर करो, आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है वो सारी चीजें। आपको पूरा ओवरऑल आइडिया लगेगा आपके परसेंटेज के ऊपर कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिनके 90% आए, अब देखो वो I2IT के लिए अप्लाई कर सकता है। I2IT में इसको I2IT में देखो 90, अब यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया, 94% 94% में यहाँ पे आपको, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है किसी को सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करना है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखो 94% पे I2IT में मिल गया।
अब उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल मैंने लिया डीवाई पाटिल पिंपरी का, ठीक है। अब टॉप 20 कॉलेजेस में एक मेरी से मिस्टेक हो गई थी कि डीवाई पाटिल पिंपरी में जो है डायरेक्ट अभी कैपराउंड के थ्रू जो है एडमिशंस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, कैपराउंड के थ्रू भी एडमिशंस होने वाले हैं डीवाई पाटिल पिंपरी में। अब डीवाई पाटिल पिंपरी का कट ऑफ देखो, यहाँ पे भी AIDS जो है 94% पे मिला है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जिनके 80% है उनको कौन कौन से ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना है, उनको भी सेम ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना है, बट ENTC ENCS के लिए भी अप्लाई करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, ताकि आपको टॉप लेवल के कॉलेजेस जो है उसमें आपको ENTC ENCS मिले, फिर बेटरमेंट में आप जो है ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सारे सेम ब्रांचेस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए दो कॉलेजेस भी लिए है, GS Raisoni पुणे, यहाँ पे देखो 83% पे आपको ENTC मिल जाता है, टॉप 20 कॉलेजेस में आता है ये भी। फिर उसके बाद सीएनगढ़ कॉलेज वडगांव 85% पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये कॉलेजेस ऐसे ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई करो ताकि आपको एडमिशन मिल सके। अब जिनको देखो 60-70% है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको 60-70% है, अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, सारे ब्रांचेस यहाँ पे मैंने दिए कौन कौन से ब्रांचेस, अप्लाई फॉर दिस ब्रांचेस ENTC ENCS। अब यहाँ पे मैंने कोर ब्रांचेस भी दिए हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगर आप देखो 60-70% आए हैं और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टेक ब्रांच में ही लेना है और वो भी अच्छे कॉलेजेस में लेना है, वो भी Tier 1 कॉलेजेस में लेना है, तो ये मेरिट के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरिट जो है CSIT और उनके स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस है वो कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं एज कंपेरिटिवली अगर आप कोर ब्रांचेस के कट ऑफ को कंपेयर करो तो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके 60-70% है तो आपको ये ब्रांचेस को भी अप्लाई करना है ताकि आपको अलॉटमेंट मिल सके। फिर उसके बाद कैपराउंड 2 में आप बेटर कॉलेज के लिए या फिर आप ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, चलो आपको जो है मॉडर्न कॉलेज में जो है या फिर आपको जो है डीवाई पाटिल में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई, कैपराउंड 2 में आप सेम कॉलेज में ENTC के लिए ट्राई करो जिनको कम परसेंटाइल आए, तो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटरमेंट के लिए। कैपराउंड 2 जितना ज्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, आप कैपराउंड 3 तक जाओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। उसके अलावा भी मैंने जिनको देखो यहाँ पे जिनके 60-70% आए और जिनको 60 अभी यहाँ पे 60 बिलो परसेंटाइल जिनको आए, अब उन सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के फॉर्म फिल करो और स्पॉट राउंड 101% पार्टिसिपेट करो, तभी आपको एक अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। और बाकी सारे ब्रांचेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए, आपके कॉलेज की लिस्ट में ये सारे ब्रांचेस भी होने चाहिए ताकि। और एक देखो, ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ये ऑप्शनल है, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप ये ब्रांच में जाना, बाकी जो ब्रांचेस आप जिसके बारे में आप जानते हो डिटेल में जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो सारे ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और पॉसिबली आपको जो है ना ENTC ENCS मिलने के चांसेस है अगर आपने अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनाई है तो। अगर आप अच्छे से ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो पॉसिबली आपको ENTC ENCS मिल जाता है कैपराउंड 3 तक। और बहुत सारे कॉलेजेस में इवन Tier 1 कॉलेजेस में ENTC ENCS का परसेंटाइल का ड्रॉप जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है आपके स्पॉट राउंड में। अगर स्पॉट राउंड में भी मिल रहा है Tier 1 कॉलेज और ENTC ENCS जो जिनके परसेंटाइल 60 बिलो है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए वही कॉलेजेस में। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन से आपको कितने परसेंटाइल पे कौन कौन से ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आपको ये सारे कोर ब्रांचेस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपके कम परसेंटाइल है तो। ओके, और एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि भैया मेरे को JEE में अच्छे परसेंटाइल आए तो JEE के थ्रू मुझे एडमिशन मिलेगा क्या, अगर मुझे एडमिशन मिलेगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी क्या। अगर आप JEE के थ्रू एडमिशन लोगे तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होता है वो कंसिडर किया जाता है, आपको JEE के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है या फिर CET के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। जिसने दोनों एग्जाम दिया है वो दोनों स्कोर कार्ड अपलोड कर सकता है, JEE में अगर अच्छे परसेंटाइल आए तो डेफिनेटली आपको JEE के थ्रू ही अलॉटमेंट आएगा, अगर CET में अच्छे परसेंटाइल आए तो डेफिनेटली CET के थ्रू आपको अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ तक सारे डाउट्स आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कुछ आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बैच 2 जो है हमारा एक दिन में क्लोज हो जाएगा, बैच पूरा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अगर कॉल नहीं रिसीव हुए हैं तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इनको आपको रिवर्ट बैक कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है अदरवाइज आप डायरेक्टली बैच में एनरोल कर सकते हो, ऐसा ना हो जाए कि सीट फुल हो जाए। हम लोग बैच क्लोज कर देंगे, लिमिटेड स्टूडेंट्स ही हम लोग लेने वाले हैं, उसके बाद ये बैच क्लोज होने वाला है एंड 101% आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बस आपको 24 आवर्स वेट करना है और जब आप परचेस करते हो वहां पे भी लिखा गया है कि आपको 24 आवर्स में आपको टीम के थ्रू मैसेज आ जाएगा, ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। सारी चीजें आई होप सो क्लियर हो गई है, कैसे एनरोल करना है सबको पता है, राइजिंग एजुकेशन के ऐप के थ्रू आपको एनरोल करना है। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।